हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निर्भर अकेडमी। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस के। आपके फंडामेंटल फोर्सेस होते क्या? हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके जो नेचर है, नेचर में कितने तरीके के फोर्सेस बल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर फोर टाइप्स के फोर्सेस को स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट जो फोर्स आएगा वो आपका आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि आपका कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, लाइक एज एक ऑब्जेक्ट मून हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका अर्थ हो गया, तो दोनों के बीच में एक फोर्स या बल आपको फील होता है, उसको क्या बोला जा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जा रहा है। या आप दूसरा बोलते हो कि कोई भी बॉल है, अगर आप ऊपर से नीचे ऐसे छोड़ दे, तो छोड़ने के बाद वो बॉल ऑटोमेटिक नीचे चली जाती है, आपको उसमें कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक चली जाती है। ठीक है, लेकिन अगर उसी बॉल को मैं नीचे से ऊपर फेंकूंगी तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत होती है। तो कोई भी बॉल ऊपर से नीचे सेंटर ऑफ द अर्थ, आपके अर्थ के सेंटर पे आ जाती है, तो उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो आपने एज्यूम करा लाइक एज कि आपके कोई बॉल है, उसका जो मास है आपने मान लिया उसको m1 है। ठीक है, एंड अर्थ का जो सेंटर है उस पर जो मास है m2 है, तो उस पर जो आपका बॉल है ऊपर से नीचे ऑटोमेटिक आएगा, किसकी वजह से आएगा? आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या नॉर्मल आपका ग्रेविटी की वजह से आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, एक तो आपने ये एग्जांपल लिया, दूसरा आपने एग्जांपल लिया था कि आपका जो अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में क्या कौन सा सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, मून रिवॉल्व करता है, क्योंकि अर्थ का एक ही सैटेलाइट है मून। इवन आपके बॉस, आपके जो प्लेनेट हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट के अलग अलग सैटेलाइट होते हैं, बट हम स्पेशली मैं जो अभी डिस्कस कर रही हूँ अर्थ के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रेविटी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो इसलिए मैं अभी फिलहाल अर्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हूँ। तो अर्थ के सराउंडिंग आपका मून क्या होगा? रिवॉल्व करेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अभी हमने वो डिस्कस किया था कि आपका अर्थ में ही ग्रेविटी होती है। भाई, अर्थ के कुछ एरिया तक, रीजन तक आपका ग्रेविटी वर्क करता है, उसके बाहर जाने, उस रीजन से बाहर जाने पे आपका ग्रेविटी वर्क नहीं करता। तो आप देख सकते हो कि आपका जो अर्थ है कुछ या मून है कुछ इस तरीके से पाथ ले रहा है अर्थ के चारों। ठीक है, तो आपने देखा कि जो इसमें सपोज आपने माना कि जो अर्थ है उसका मास हो गया m1 और जो मून है इसका मास हो गया m2, दोनों के बीच में फोर्स तो वर्क कर रहा है ऑब्वियसली। अगर इसमें फोर्स वर्क नहीं करेगा तो वो एक दूसरे के, ये जो मून है अर्थ का चारों ओर रिवॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F इज इक्वल टू, ये बेसिकली होता है जो दोनों के दोनों आपके मासेस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आप देखते हो कि एक ही मास होगा तो उसके बीच में कोई भी फोर्स आपको फील नहीं होगा, तो आपको दो मासेस में जरूरी ही है। दूसरा, आपका जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, कि आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। तो फाइनली जो फोर्स होगा वो इक्वल टू होगा जी ऑफ एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और जी के आपका, जी की वैल्यू है आपका ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ठीक है, जो कि आपका फिक्स होता है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। अब ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, आपका इस केस में भी वैलिड होगा और आपका इस केस में भी वैलिड होगा, दोनों के दोनों केस में आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपका वैलिड होगा। तो अब आप देख रहे हो कि जो फोर्स है डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहे हैं, मासेस पर डिपेंड कर रहे हैं, इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, दोनों बीच के जो दो दोनों मासेस उसके बीच का डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो अब आप देख रहे हो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे आप बोल सकते हो कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, कि मीन्स दोनों जो बॉडी है लाइक इसके बीच का डिस्टेंस हमने मान दिया कि
हाँ डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, इनवर्स स्क्वायर लॉ। मीन्स आपका एक तो डिस्टेंस है, इनवर्स है, और उसका क्या है आपका स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कितने तरीके की आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर मिल सकती है। सो आप इसमें लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसकी आपकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले क्या होगा इसकी प्रॉपर्टी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आर यूनिवर्स, यूनिवर्सल फोर्स की बात करें, यूनिवर्स अट्रैक्टिव फोर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या आपका कि आप, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या निकाल दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स है यूनिवर्स अट्रैक्टिव फोर्स। मीन्स कि आपके दो मासेस है दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है आपका, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। एंड सेकेंड आप इसमें लिख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स आर वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ये आपका फोर्स इन नेचर आपका सबसे ज्यादा आपका वीकेस्ट फोर्स होगा, जो कि अभी हम चार फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें से सबसे ज्यादा जो वीकेस्ट फोर्स होगा वो कौन सा होगा आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा लिख सकते हो आप इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या फॉलो करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ जो हम ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स आर कंजर्वेटिव, ठीक है। एंड आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, आर सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आर सेंट्रल फोर्स, फोर्स आर सेंट्रल, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी है किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। इसमें आपने इनवर्स स्क्वायर लॉ तक तो देख लिया, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है विच फोर्स आर कंजर्वेटिव, अभी आपको एक बताया गया ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स आर सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। एंड सेंट्रल फोर्सेस मीन्स आपका होगा इसमें, सो स्टूडेंट अभी सेकेंड टाइप्स का हम फंडामेंटल फोर्स पढ़ने वाले हैं, वो है वीक न्यूक्लियस फोर्स, जो कि आपने ऑलरेडी फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स जो कि था ग्रेविटेशनल फोर्स आपने डिस्कस कर लिया था। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स को स्टडी करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कि आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट बेसिकली होता क्या है, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था आपने पीरियोडिक टेबल, वहां पर आपने ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखे होंगे, लाइक एज यूरेनियम, थोरियम या रेडियम, ठीक है। सो मैं यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ही क्यों कंसीडर कर रही हूँ कि लाइक एज के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक एज मैंने ले लिया यूरेनियम 238, ठीक है। तो यूरेनियम को जैसे आपने इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया या न्यूट्रॉन हो गया, इसके साथ बॉम्बार्ड कराओगे, तो कराने के बाद ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे अनस्टेबल कंडीशन में हो जाएंगे। अनस्टेबल कंडीशन मीन्स ये कहीं ना कहीं इजिली रिएक्शन कर जाएंगे, ठीक है। तो
जैसे ही ये अनस्टेबल कंडीशन में आएंगे तो उसके बाद अगर उसके पास में दूसरा उसको न्यूट्रॉन मिलेगा तो वो उसके साथ रिएक्शन करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि जितने भी आपके आपने देखा था न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, तो आपने उसमें क्या देखा था कि यूरेनियम जैसे आपका न्यूट्रॉन के साथ आपका रिएक्शन करता है, उसके बाद वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है एंड उसके बाद थ्री न्यूट्रॉन को रिलीज करता है प्लस आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। तो इसका आपने एग्जांपल देखा, प्लस आपने उसमें देखा था कि जो आपका जो न्यूट्रॉन उसमें थ्री न्यूट्रॉन मिलता है वो फिर दूसरे यूरेनियम के साथ रिएक्शन करते हैं, देन उसके बाद वो तीन न्यूट्रॉन तीन यूरेनियम के साथ रिएक्शन करने के बाद आपके थ्री 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 नाइन न्यूट्रॉन एंड ह्यूज एनर्जी और रिलीज करता है, तो उसके बाद ये रिएक्शन आपका बढ़ता चला जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है आपके बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल के कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको रोक पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट हम यहाँ पर वो सारी चीज़ें ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पर इतना तो हो गया कि हमने यहाँ पर ये थोड़ा सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ, बीटा डीके। बीटा डीके बेसिकली आपका क्या होगा कि जैसे आपका कोई एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये क्या करेगा कि आपका अगर उस एलिमेंट में बीटा डीके प्रोसेस हो रहा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा या प्रोटॉन को रिलीज करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे आपका कोई भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपका ये मैंने ले लिया न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में आपने देखा है कि न्यूक्लियस किस किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, सबसे पहले आपका इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका इसमें बीटा डीके प्रोसेस होता है तो ये क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर देगा, ई माइनस के आपका इलेक्ट्रॉन एंड ई प्लस क्या हो जाएगा आपका प्रोटॉन, इसके अलावा आपका एंटी न्यूट्रोनो भी आपका इसमें से रिलीज करता है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ न्यू माइनस, ठीक है। आप क्या देख रहे हो कि आपका जो न्यूट्रॉन है आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, या आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्लस इसके अलावा आपका इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो प्रोसेस होगा उसको आप बोलोगे क्या, बीटा डीके। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के बीटा डीके होते हैं, एक तो बीटा प्लस डीके होता है, दूसरा बीटा माइनस डीके होता है। बीटा प्लस डीके मींस कि आपका इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, बीटा माइनस डीके मींस इसमें आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और बीटा प्लस डीके मींस आपका इसमें आपका पॉजिट्रॉन या जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिलीज हो रहा है, ठीक है। एंड अब हमने यहाँ पर ये इस तरीके का बीटा डीके को क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हमें यहाँ पर वीक न्यूक्लियर फोर्स को बताना था। तो ये जो फोर्स होता है जिसमें आपका बीटा डीके प्रोसेस हो रहा है ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो आप इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या लिख सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टी आएगी, इन कंपेरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन में आप इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या होगा आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स 10^25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का 10^25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। दूसरा आप इसमें केस लिख सकते हो कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन लेप्टॉन एंड प्रोटॉन, लेप्टॉन एंड नॉट प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आपका इसमें आपका लेप्टॉन्स और लेप्टॉन के बीच में और लेप्टॉन और न्यूट्रॉन के बीच में वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है।
मीन्स आपका लेप्टॉन लेप्टॉन है, लेप्टॉन न्यूट्रॉन आपका, अगर आप एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हो ठीक है, तो वहाँ पर आपका ये लेप्टॉन न्यूट्रॉन्स वगैरह ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। यहाँ आपको ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं बता सकते कि व्हाट इज लेप्टॉन व्हाट इज न्यूट्रॉन्स ठीक है, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक्स है। सो आपको बस इतना समझना है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स, कर रही है। बस आपको इतना समझना है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, जो कि आपका किसके बीच में लग रहा है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स या एंटी न्यूट्रॉनों में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्लस कुछ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो उस तरीके का जो प्रोसेस होगा उसको वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे। एंड ये 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप लोग ये कंफ्यूज मत करना कि वीक न्यूक्लियर फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स से आपका ज़्यादा होगा कम होगा, इसका मतलब ये नहीं है। आपका ये ग्रेविटेशनल फोर्स से आपका जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है आपका मोर स्ट्रॉन्गर होता है। सो स्टूडेंट, अब हम स्टडी करते हैं थर्ड टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस मीन्स आपका, इसमें हम चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे, आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, जो कि आपको डायग्राम में इस तरीके से दिख रहा होगा, ये आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज, जो कि आपका डाइवर्ज नेचर कंटेन करता है, नेगेटिव चार्ज जो कि आपका कन्वर्ज नेचर कंटेन करता है ठीक है। इन दोनों की वजह से क्या होता है, आपका फील्ड क्रिएट होता है जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। ये तो हमने चार्जेस के केस में लिया कि अगर आपके दो चार्जेस हैं तो उसके बीच में किस तरीके से फोर्स लगता है, जो कि आपका कूलॉम ने, आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी बट हम बता देते हैं कि जैसे आपके दो चार्जेस हैं इसमें प्लस क्यू माइनस क्यू ठीक है, तो आपके क्या देखते हो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि अगर आपके सेम चार्जेज है तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो आपका रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अगर अपोजिट चार्जेज है तो उसके बीच में आपका फोर्स क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ठीक है। तो सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में अभी हम केवल इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी बोलेंगे। सो आपका जो फोर्स आएगा एफ इज इक्वल टू आता है बेसिकली के टाइम्स ऑफ क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ठीक है। ये चीज़ आप डिटेल में आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हो। यहाँ पर ये जो दिया था एज्यूमिशन, ये कूलॉम ने दिया था कि अगर आपके दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे ठीक है। तो उसने यही बोला था कि चाहे आपका दो सेम चार्जेस हो चाहे अपोजिट चार्जेस हो, उनके बीच में आपका फोर्स लगेगा ही लगेगा ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने बोल दिया था कि फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ठीक है। ये तो हमने दो चार्जेस के केसेस में लिया था, जैसे कि आपको नीचे का डायग्राम दिख रहा होगा कि आपका जो पॉजिटिव चार्जेस है उसका जो नेचर हो रहा है वो डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज हो रहा मतलब जो ये लाइन दिख रही है बाहर की ओर जाते हुए दिख रही है ना, ये बाहर की ओर जाते हुए दिख रही है। नेगेटिव चार्ज का जो नेचर होता है कन्वर्ज होता है, मीन्स लाइन में सिकुड़ती हुई दिख रही है। तो आपको ये जो डायग्राम दिख रहा होगा नीचे, नीचे वाले डायग्राम में आप देख रहे होगा कि जो पॉजिटिव चार्जेस है आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं कहाँ एंड हो रही है, नेगेटिव चार्जेस पे। आप देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट हो रही पॉजिटिव से, एंड कहाँ हो रही नेगेटिव पे हो रही। सिमिलरली यहाँ पर भी इस तरीके से ही होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा कहाँ एंड होगा आपका नेगेटिव में एंड होगा। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव से स्टार्ट होगा ठीक है, यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव से स्टार्ट होगा एंड यहाँ क्या होगा आपका नेगेटिव पे एंड होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि आपका एक फील्ड क्रिएट हो रहा है, उसको बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इसकी वजह से आपका एक फोर्स क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये किसके केस में, चार्ज के केस में बोल रहे हैं अगर हमारे पास चार्ज की बात करें। लेकिन अगर मैं मैग्नेट की बात करूँ ठीक है, तो आप मैग्नेट में आप देख रहे हो कि जो साउथ पोल होता है या नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल जो बिहेव करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, एंड जो साउथ पोल बिहेव करेगा नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि ये पॉजिटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज से आपके लाइन स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है कहाँ एंड होता है, नेगेटिव चार्ज पे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो वर्क
यूज करोगे वर्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड का वर्ड यूज करोगे तो नॉर्थ से क्रिएट होगा, कहाँ एंड होगा आपका, साउथ में एंड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये फील्ड लाइंस बता सकते हैं। ये जो फील्ड लाइन होगा वो बेसिकली कौन सा फील्ड लाइन होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की हम बात नहीं करें। सिमिलरली इनमें भी इस तरीके से आपका डायरेक्शन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपका एंड होगा यहाँ, ठीक है। तो ये आप डायग्राम, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें किस तरीके से आपका फील्ड क्रिएट हो रहे हैं। सो आप इसको इस तरीके से रख सकते हो। एंड यहाँ क्या, ये यहाँ पर क्या होगा, आपका बाहर की ओर जा रहा है तो उसको बाहर की ओर एरो बना दीजिए कुछ इस तरीके से। तो ऑब्वियसली अब आपको क्या फील हो रहा है कि जो आपका मैग्नेट के चारों ओर कौन सा फील्ड क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और इसके चारों ओर एक फोर्स क्रिएट हो रहा है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, किसके टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। सो जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, एफ प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू, एम वन एम टू दो मैग्नेट की बात है। यहाँ इसका जो एम वन मान दिया उसको आपने मान दिया एम टू, ठीक है। एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैम। तो इसमें इस तरीके से आपका फोर्स क्रिएट होगा। यहाँ हम बेसिकली फील्ड की बात करेंगे बट अभी मैं फोर्स के टर्म में ही कंसीडर कर रही हूँ। तो अब आप क्या देख रहे हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे आपका मैग्नेटिक फोर्स हो, या चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो, दोनों जो लॉ फॉलो करता है वो कौन सा लॉ फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो आप यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी आएगा, प्रॉपर्टीज क्या आएंगे इसमें, जो प्रॉपर्टी आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आएगी इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आर 10^36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दूसरा आप एग्जाम्पल बोल सकते हो, प्रॉपर्टी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फोर्स आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा आप एग्जांपल बोल सकते हो, इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। फिर बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फोर आर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। एंड और क्या बोल सकते हो आप, एंड इसमें बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर, दे आर सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। ये तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा, अब हम इसका एक दो एग्जांपल ले सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको कहाँ आपके सराउंडिंग में दिखेगा, ठीक है। सो अभी हम इसमें कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। सो इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन में जो आपका फोर्स क्रिएट होता है उसको वो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, या आप ले सकते हो फोर्स इन स्प्रिंग, स्प्रिंग के केस में जो आपका फोर्स क्रिएट होता है वो आपका इसका एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें किस तरीके से आप देख सकते हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मीन्स कि अगर आपका आप हाथों को रब करते हो,
रब करने के बाद क्या होगा, आपका इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ आपका हीट क्रिएट होगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट ले सकते हो। या आपका कोई भी गाड़ी, आपका क्या होगा, रोड पे चलती है, रोड पे चलने के बाद उसको जो टायर्स के व्हील होंगे वो क्या करेंगे, आपके जो उसके सरफेस के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, किसके सरफेस, रोड के सरफेस के कॉन्टेक्ट में आएंगे, तो उसकी वजह से आपकी गाड़ी बैलेंस होकर चलती है। उसके बाद उसमें हीट प्रोड्यूस होने लगता है आपके टायर्स में, तो वहां पर भी आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट जो फंडामेंटल फोर्स आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मीन्स कि आपका कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, आपका न्यूट्रॉन होता, प्रोटॉन होता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता। सो आप क्या देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है उसके बीच में जो चार्जेस होते हैं वो कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको अगर हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो वहां पर आपका वो कौन सा फोर्स लग रहा है, कूलम्स फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन क्या होता है, आपका आपका उसमें न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होता हो तो वो आपका किस तरीके से बाइंड अप रहता है आपका न्यूक्लियस के अंदर, तो वहां पर आपको जो फोर्स वर्क करेगा वो वर्क करेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो इसका आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, टू बाइंड द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस या इन ए न्यूक्लियॉन या इन ए न्यूक्लियस इन ए न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, सिंपल सा है। आपका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड अप करके रख रहे हैं वो आपका क्या जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस आ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। प्लस ये क्या होगा, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना कवर करेगा, अप्रोक्स 10^-14 मीटर तक कवर करेगा, जो मीन्स आपका, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो उसमें आप एज्यूम कर सकते हो कि जो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो फोर्सेस आएगा उसको बोलोगे आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर से आप इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, तो लिख लीजिए प्रॉपर्टीज। सो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर फोर्स आर 10^38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड 10^13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, ये तो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा आपका जो प्रॉपर्टी होगा, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट ओबे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेगा, स्क्वायर लॉ। ठीक है,
नेक्स्ट कर सकते हो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स हैव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हैव शॉर्टेस्ट रेंज, शॉर्टेस्ट रेंज वो होगा आपका 10^-14 मीटर, ठीक है। एंड फिर आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर सेम चार्जेस के बीच में आपका कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा आपका अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। फिर बोल सकते हैं इट इज नॉट कंजर्वेटिव एंड सेंट्रल फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होते और सेंट्रल फोर्स आपके नहीं होते। तो ये आपने देख दिए हैं चार तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस और उसका प्रॉपर्टी एंड उसका कंपेरिजन आप उसमें ऑलरेडी देख चुके होंगे। सो आई होप आप लोगों को चार तरीके का आपको फोर्स पता चल गए हैं, फंडामेंटल फोर्सेस। आपका फर्स्ट चैप्टर में से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। तो बहुत कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है चैप्टर क्वेश्चन में, आपको बहुत ही इजी है। एंड इसमें एक आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालने तो आपने लाइक एज आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो आपने फोर्स लिखा, आपने लिखा उसको एफ जी, वीक न्यूक्लियर फोर्स का आपने फोर्स लिखा एफ डब्ल्यू एन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का लिखा आपने एफ ई एम, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का आपने लिखा एफ एस एम, ठीक है। ये क्या आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल वाला फोर्स है। ये क्या आपका वीक न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, ये क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग। ये जो होता है ये आपका जो रेशियो आएगा 1:10^25 रेशियो 10^36 रेशियो 10^38, ये आप याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं कि इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना होता है, वो कितना होता है 1:25 रेशियो 10^36 रेशियो 10^38 रेशियो।